74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों को 26 जनवरी और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कराने के साथ हमें संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव झंडारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम मिलकर ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने का ऐलान किया है। पिछले साल 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। उनके निधन के बाद मांग उठी थी कि नेताजी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही अब मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी सांसद और मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव, शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है, तो इसलिए मिला है नेताजी। बिल्कुल पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जो जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने बचाव किया है। संगमित्रा का कहना है कि उनके पिता ने रामचरितमानस की जिस चौपाई का जिक्र करते हुए उसे आपत्तिजनक बताया है, उस पर विद्वानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। गोरखपुर जाते समय बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल एक हादसे का शिकार हो गए। उनकी गाड़ी हाईवे पर नील गाय से टकरा गई। हालांकि सही समय पर एयरबैग खुल जाने की वजह से बीजेपी सांसद को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद वो दूसरी गाड़ी से आगे रवाना हो गए। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के हस्तशिल्प की पहचान पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है। इसकी पहचान में चार चांद लगाने वाले दिलशाद हुसैन शिल्प गुरु को पद्मश्री मिला है। इससे पहले भी उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुरादाबाद में इससे पहले किसी को भी पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क हादसे में घायल होने के बाद उनकी मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार, कंडक्टर परमजीत और दो अन्य युवकों नीशु और रजत को आज उत्तराखंड सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें सम्मानित किया। बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड के चार धामों में से एक बद्री विशाल श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा इस संबंध में जानकारी बसंत पंचमी पर दी गई। समिति की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि कपाट खुलने की तारीख और समय तय कर लिया गया है। इस वर्ष 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे।